हेलो गाइस, आज हम झाड़ग्राम से एकदम सुबह भोर भोर को निकल गए। तो यहाँ पे हाईवे में आते आते थोड़ा सुबह सुबह हो गया और हम सनराइज देख सकते हैं। एंड मैं और मेरी मम्मी आई है, क्योंकि मम्मी जैसे हम रास्ते से जाते हैं तो गुप्तमणि माता का मंदिर पड़ता है, तो मम्मी भी वहीं पे उतरेगी, गुप्तमणि माता के मंदिर पे वहीं पे उतरेंगी। और वो जब पूजा होगा, पूजा के बाद वो बस पकड़ के घर आ जाएंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं गुप्तमणि माता के मंदिर के वहाँ वहाँ मैं प्रणाम करूँगा, फिर मम्मी पूजा वगैरह करेगी। देखिए, कोलकाता हमारे ईस्ट में पड़ता है, पूरा ईस्ट, पूरब की डायरेक्शन में। एंड अभी हम पहुँचने वाले हैं जो पहला टोल बाली भाषा का पड़ा, बाली भाषा का टोल के बाद अब गुप्तमणि माता का मंदिर आएगा। और यहाँ पे सुबह सुबह उतना भीड़ नहीं होता है जितना कि दोपहर को या शाम को होता है। तो अभी हम माँ गुप्तमणि के मंदिर में आ गए हैं, मंदिर के प्रांगण में। हम अपना गाड़ी खड़ा कर देते हैं और गुप्तमणि माता का दर्शन करते हैं। अभी मंदिर खुला भी नहीं है, क्योंकि पंडित जी जो पूजा करते हैं यहाँ पे वो लोग अभी आए नहीं हैं। तो अभी मैं प्रणाम करके ही निकल जाऊँगा और फिर मम्मी यहाँ पे रहेगी, पूजा करके बस पकड़ के फिर घर जाएंगी। तो चलिए मंदिर में चलते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। बाइक को पार्क कर लिए यहाँ पे, अब हम चलते हैं मंदिर में। हैंडल लॉक भी कर लेते हैं। एंड ये है मंदिर, और शूज वगैरह खोल के अब हम मंदिर में चलते हैं और यहाँ पे प्रणाम करते हैं। जय माता गुप्तमणि, जय गुप्तमणि माता, जय दुर्गा माता। आप लोग जब भी इस रास्ते से जाइएगा ना, तो गुप्तमणि मंदिर में ज़रूर माता का दर्शन, मतलब दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा, लेकिन रुकिएगा, प्रणाम करके चलिएगा। तो अभी हम फिर से मंदिर के बाहर आ गए, जूता वगैरह पहन लेते हैं एंड अब हम निकलेंगे। तो मम्मी अभी यहीं रहेगी, बस पकड़ के घर आ जाएंगी, अब निकलते हैं हम। कोलकाता की तरफ निकल गए और अभी खड़गपुर पार कर रहे हैं। देखिए, पूरा सुबह एकदम सही रहता है टाइम, और सुबह में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। अभी खड़गपुर पार कर गए हैं। अभी मैं सारा टूल वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में जो झाड़ग्राम टू कोलकाता था उसमें सब मैंने दिखाया है। तो अभी सुबह सुबह चल रहे हैं, एकदम रास्ता अच्छा है, खाली है, तो थोड़ा स्पीड में थोड़ा चल सकते हैं, क्योंकि देख ही सकते हैं रास्ता पूरा खाली जैसा है। और जब कोई दिखे कि गाड़ी वगैरह है तब स्लो स्पीड कर लीजिए, ऐसा है, मतलब ये रूल सब सबके लिए हैं। एंड यहाँ पर बाइक का मतलब मैंने थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके भी देख लिया, जैसे 115 पे कितना स्टेबल रहता है ये बाइक। एंड फिर अभी खाली रास्ता है, सुबह का टाइम है, तो आराम से बीच वाले लेन से आराम से चलते हैं। एंड अभी जैसे गाड़ी आया तो स्लो कर लिया। और अभी हम लोग हैं शेरे पंजाब होटल में, शेरे पंजाब ढाबा के मैंने बोला था आपको, आप याद कीजिए, कोलाघाट का जो फेमस शेरे पंजाब ढाबा है, वहाँ पे नाश्ता वगैरह चाय वगैरह करके यहाँ बाइक पार्क कर लिए और यहाँ पे नाश्ता करेंगे हम लोग। और अभी हम रूप नारायण नदी पार कर रहे हैं, कोलाघाट का रूप नारायणी नदी। एंड अभी हम कोलाघाट पार कर गए और अभी हम आगे चलते हैं कोलकाता की ओर। ये ड्यूक 250 है जो बार बार मेरे सामने जैसे
बार बार मुझे ओवरटेक कर करके आगे जा रहे हैं। तो मैंने भी चलो देखते हैं, फिर ओवरटेक कर लिया, ये फिर से आ गए, बार बार आते जा रहे हैं। अरे भाई क्या चाहिए, चलो देखो। अरे सेम ही है, ये भी ड्यूक 200 है नया मॉडल। तो अभी हम आगे चलते हैं और अभी हम यहाँ पे अब भागीरथी गंगा नदी पार करेंगे, बाली ब्रिज पे हैं हम लोग। और सामने दक्षिणेश्वर मंदिर है, माता का मंदिर, दक्षिणेश्वरी माई का मंदिर, काली माता का मंदिर। एंड दक्षिणेश्वर अभी हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखे, हावड़ा यू कोलकाता, हावर यू कोलकाता का मतलब उधर हावड़ा इधर कोलकाता, तो कोलकाता आ गए हम लोग। एंड ये अब कैसे बताया आप लोग को, मतलब गया तो एक ऐसे रास्ते में घुस गए ना कि जिससे वो टोल रोड पे उठ गए हम लोग। अब मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि टोल रोड पे नहीं उठना है, लेकिन देखिए टोल रोड पे उठे, फिर आगे से एकदम टोल के पास जाके मुड़ना पड़ता है, फिर मुड़ के बहुत मतलब लंबा पड़ जाता है, टाइम टेकिंग भी लगता है। अगर गलती हो गया तो मतलब समझ रहे हैं ना, ये रोड पे अलाउ नहीं है। देखिए वो बगल वाला जो रोड है उस पे अलाउ है, बट ये टोल रोड है, इस पे कोई भी बाइक अलाउ नहीं है, इस पे फोर व्हीलर बस अलाउ है, ना ही हेवी व्हीकल्स अलाउ है। तो अभी चलते हैं हम लोग, कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे ही पूरा लंबा जाके टोल के पास से फिर से वापस आना पड़ा। मतलब एक बार हावड़ा से तो पार कर गए, फिर एक गलत रास्ता पकड़ के फिर से हावड़ा गए, मतलब उस पार गए भागीरथी गंगा नदी के, एंड फिर इस साइड हम लोग आए। देखिए यहाँ आके फिर से वही वाले रोड पे मिलेंगे जो दक्षिणेश्वर का है, पर अभी नीचे नीचे से ही हम लोग कोलकाता में घुस जाएंगे, क्योंकि अब मतलब अब पूछते पूछते जाएंगे, ज़्यादा गूगल का सहारा लेंगे तो मतलब अपना भी वो होता है ना, कभी कभी क्या है कार के जगह बाइक, बाइक की जगह कार सिलेक्ट हो जाता है तो वो वैसा रास्ता दिखा देता है। तो अभी ये देखिए यही रास्ता है, वहीं फिर से वही उसी रास्ते में आ गए। तो अब हम कोलकाता की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।